इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा कैमरा एरर इस तरीके से हमको दिखाता है, कांट कनेक्ट कैमरा, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मेरी बताई हुई हर चीज़ यहाँ पर परफेक्टली वर्क नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पर अनुमान से बताया जाता है, और क्या पता आपका ठीक हो जाए और क्या पता आपका ठीक ना हो। तो आप जो है इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, और फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब आपका कैमरा नहीं चलता है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी नीचे जाइए और ऐप्स में जाइए और मैनेजर्स में जाइए, और यहाँ से अपना जो है रीसेट ऐप परफॉर्मेंसेस पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी जो ऐप है वो सारी रिस्टार्ट हो जाएगी, इससे आपकी जो रैम वगैरह है वो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। उसके बाद बैक लाइट दीजिए और सिस्टम सेटिंग्स ऐप पर जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आप कैमरे में जाइए। कैमरे में जाने के बाद यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर लीजिए अपने सारे कैमरे की सेटिंग्स को, ठीक है। इतना आपको कुछ करना है, फिर यहाँ से बैक लाना है, बैक लाना है, बैक लाना है, और यहाँ से सर्च करना है आपको एडमिन, ठीक है। यहाँ पर एडमिन आपको सर्च कर लेना है, और यहाँ पर देख लेनी है कोई ऐप ऑन तो नहीं है। अगर फाइंड माई डिवाइस ऑन होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई और सी डिवाइस आपकी ऑन होती है तो उसको बंद कर लीजिए, ठीक है। इतना आप करना है, एंड फिर उसके बाद अबाउट फ़ोन में जाना है, और यहाँ से अपने फ़ोन को जो है अपडेट पर लगा देना है, अगर आपका अपडेट चल रहा हो तो। उसके बाद आप अपने फ़ोन को बंद करके खोलिए, एंड फिर सबसे लास्ट में आप ऐप्स में जाइए, मैनेजर्स में जाइए, कैमरे को सर्च कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ से इसका डेटा क्लियर कर दीजिए। जैसे ही आप डेटा क्लियर करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी फिर वो सॉल्व हो जाएगी, और अपने कैमरे को चला लीजिए तो वो चल जाएगा इजीली। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।